या हाय गाइस, अगर आप स्कूल ऑफ अपर लर्निंग के स्टूडेंट हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के, उन्हें क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये है, अभी तक स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कल जो क्लासेस शुरू हुई हैं उनके डैशबोर्ड में लिंक्स अवेलेबल नहीं थे। तो गाइज, आपके डैशबोर्ड में लिंक्स आ गए हैं। आपको क्या करना है, अपने SOL अकाउंट में लॉग इन करें, उसके बाद ये ऑप्शन देखें, ब्लू बटन विच हैज क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड स्केड्यूल्स, इसे क्लिक करें। अब आप पूछेंगे इसका फायदा क्या है। तो गाइज, अगर आप बिना लॉगिन किए आप जब लिस्ट देखेंगे, स्केड्यूल देखेंगे क्लासेस की, तो आपको अपने कोर्स के अलावा और भी कोर्सेज की क्लासेस नजर आएंगी, तो एक कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, जैसे आप ये देखें जो आप स्केड्यूल कल फॉलो कर रहे थे, ठीक है, इसमें BA प्रोग्राम जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर वो स्क्रॉल डाउन करते हैं तो उन्हें BCom ऑनर्स या BCom या और भी जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उनकी भी क्लासेस का स्केड्यूल नजर आएगा। तो दिस कैन कॉज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन। तो आपको क्या करना है, SOL अकाउंट में लॉग इन करें और जो ब्लू बटन है उसे क्लिक करें। और सेकेंडली गाइज, इसका एक और एडवांटेज है, अब डैशबोर्ड में देखेंगे आप, इस लिस्ट में आपको मीडियम भी नजर आएगा। मीडियम एज इन कि क्लास इंग्लिश मीडियम में हो रही है या हिंदी मीडियम में हो रही है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ज़्यादातर बायलिंगुअल मोड में समझ आ जाता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि प्योर हिंदी में बताया जाए। ठीक है, तो आप चूज कीजिए आपको हिंदी मीडियम की क्लास लेनी है या इंग्लिश मीडियम की। ऑलराइट गाइस, इसके बाद एक और क्वेरी है, जो स्टूडेंट्स टीम्स ऐप में लॉगिन कर पा रहे हैं वो प्लीज फास्ट फॉरवर्ड कर लें। जो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं जल्दी से बता देता हूं। आप देखिए क्लास का लिंक यहां पे गिवन है, इट हैज क्लिक हियर टू ज्वाइन, इसे क्लिक करें। अगर तो आप कंप्यूटर पे ही देखना चाहते हैं क्लास को, तो आप चूज कर सकते हैं वॉच ऑन द वेब इनसेड, ये जो सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर आप मोबाइल फोन पर यूज कर रहे हैं देन यू हैव टू डाउनलोड द टीम्स ऐप, और टीम्स ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब साइन इन पेज आता है तो आपको अपनी कॉलेज की ईमेल आईडी डालनी है। ये मैंने सैम्पल रोल नंबर लिया है, फॉर एग्जांपल 21-1-42-010101@sol-du.ac.in। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे जीमेल से लॉगिन करना चाह रहे हैं, ये वो क्या करते हैं, सिर्फ रोल नंबर डालते हैं, लास्ट का पार्ट नहीं डाल रहे हैं। तो गाइस, आपको ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद पासवर्ड डालिए। पासवर्ड आपका मोस्ट प्रोबेबली इस फॉर्मेट में होगा, SOL, फिर ये, उसके बाद जो नंबर्स आपके गिवन है, आपका बार कोड है। ठीक है, उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है कि कौन सी क्लास कब अटेंड करनी है, उस बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका स्केड्यूल है गाइस, अगर BA प्रोग्राम स्टूडेंट्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि डेट्स जो हैं 6 जनवरी से लेके 24 फरवरी को, ये एक स्केड्यूल है। ठीक है, इसमें अगर आप नोटिस करें जो सेकंड स्केड्यूल है, जिसमें आज पहली क्लास है 7 जनवरी को और लास्ट क्लास होने वाली है 25 फरवरी को। ठीक है, तो गाइस आपको देखना ये है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो दोनों दिन पढ़ाए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन डिसिप्लिन यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, ऐसे ही हिस्ट्री डिसिप्लिन यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, एंड पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेरी यहाँ पे ये बनती है कि जो सब्जेक्ट एक ही दिन पढ़ाए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक डिसिप्लिन, ये जो रेड में हाईलाइट किया है, ये आपको इसी स्केड्यूल में पढ़ना होगा। ठीक है, सिमिलरली इंग्लिश डिसिप्लिन एक ही दिन क्लास होती है इसकी, और हिंदी डिसिप्लिन जो भी मैं रेड में हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको ध्यान देना है कि कौन से स्केड्यूल में कौन सी डेट्स को आपको इनकी क्लासेस अटेंड करनी है। और ये लास्ट है कॉमर्स का डिसिप्लिन सब्जेक्ट, इसमें दो ऑप्शन है, HRM और बिजनेस लॉ। सिमिलरली जिन्होंने संस्कृत या मैथ्स एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट लिए हैं, उनको ध्यान देना है कि उन्हें इस स्केड्यूल में क्लासेस लेनी है, जो सेकेंड वाला है 7 जनवरी से लेकर लास्ट क्लास होने वाली है 25 फरवरी को। ये तो हो गया डिस्कशन के कौन सी क्लास कब लेनी है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा जो डाउट है इस समय वो ये है, स्टूडेंट्स ग्रुप में क्वेरी पूछते हैं कि मुझे इंग्लिश की क्लास का लिंक चाहिए। तो गाइस आप ऐसे ना पूछें, क्योंकि जिनको कोई डाउट नहीं है उनके मन में भी डाउट आ जाएगा, बिकॉज इंग्लिश से आपका क्या मतलब है।
आप इंग्लिश डिसिप्लिन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या आप इंग्लिश एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स की बात कर रहे हैं या आप इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर है उसमें भी तीन ऑप्शंस हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टू लिटरेचर, इंग्लिश फ्लुएंसी, ठीक है, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो अगर आप सीधा पूछते हैं कि इंग्लिश की क्लास का लिंक चाहिए या इंग्लिश की क्लास हो रही है, तो इन पांच सब्जेक्ट्स में से आप कौन से इंग्लिश की बात कर रही हैं? तो कहने के मतलब ये है, आप पहले पेपर की कैटेगरी का नाम बताएं। आपको इंग्लिश की डिसिप्लिन क्लास की बात कर रहे हैं या आप इंग्लिश की एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स जिसका है इंग्लिश कम्युनिकेशन उसकी बात कर रहे हैं या आप जो इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर है जिसमें इंग्लिश ए है लिटरेचर, बी है फ्लुएंसी और सी है प्रोफिशिएंसी, आप किसकी बात कर रहे हैं? सिमिलरली जिन्होंने हिंदी ली है वो भी ये ना पूछें कि हिंदी की क्लास कब हो रही है, ये बताएं आपको हिंदी की डिसिप्लिन क्लास के बारे में पूछना है या आपको हिंदी का जो एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं आप, ठीक है, या आप जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में हिंदी ए बी सी है आप उसकी बात कर रहे हैं। तो गाइज बी स्पेसिफिक, पेपर की कैटेगरी पर ध्यान दें, डिसिप्लिन सब्जेक्ट है या एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स है या आपका जो लैंग्वेज पेपर है जिसमें इंग्लिश है और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ठीक है जी। और ये बात मैं ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, दोबारा मैं बता देता हूँ कि ये जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं इस शेड्यूल में 2 to 3, ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने स्कूल में कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो इसलिए उनको ऑप्शन दिया गया है कि इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने डिसिप्लिन में इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो अगर इसे कंफ्यूजन होता है तो आप अपनी पी रिसीव देखिए, सारे सब्जेक्ट उसमें मेंशन हैं। उसके बाद गाइस जो स्केड्यूल है उसमें भी काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, तो हमने क्या किया है स्केड्यूल में डिसिप्लिन या जो पेपर की कैटेगरी है वो ऐड कर दी है, ये देखिए। तो अब इसमें जो रेड में लिखा है इंग्लिश डिसिप्लिन, अब आपको देखते ही समझ आ जाएगा कि ये इंग्लिश की क्लास कौन सी हो रही है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड, ये कल के स्केड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, ये लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे या तो कमेंट सेक्शन में या हमारी वेबसाइट पर, ठीक है। सिमिलरली जो पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन सब्जेक्ट है आप देखिए, ये एक प्रोफेसर ले रहे हैं 10 to 11, और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक और प्रोफेसर इसी क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन करते जाइए। तो ये गाइस आपकी चॉइस है या यूं कहें कि मीडियम की बात है, ये देखिए एक और प्रोफेसर हैं जो 10 to 11 इसी क्लास ले रहे हैं पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन की। आपको क्या करना है, आप दोनों क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, चेक करें कौन सा मीडियम आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है, आप उस क्लास को फिर आगे से ज्वाइन किया कीजिए। ऐसे ही अगर आप ध्यान दें तो हिस्ट्री डिसिप्लिन के 3 प्रोफेसर्स हैं, यहाँ पे देखिए 10 to 11 हिस्ट्री डिसिप्लिन, ठीक है, ये प्रोफेसर्स का नाम है। तो आप कौन सा मीडियम की क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो आपको डिसाइड कीजिए, ठीक है। तो ये हमने सारी जो कैटेगरीज हैं वो इसमें लिस्ट कर दिए हैं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। कॉमर्स देखिए दोबारा है, उससे पहले हम एजुकेशन की बात करेंगे। एक तो ये लेक्चरर हैं 10 to 11 की क्लास लेते हैं, ठीक है, और एजुकेशन 10 to 11 ये भी सर पढ़ाते हैं। सिमिलरली कॉमर्स का भी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है या बिजनेस लॉ है उसकी यहाँ पे हमने लिस्टिंग की है। तो गाइज लिंक्स बहुत सारे हैं, क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए इकोनॉमिक्स के एक और लेक्चरर हैं जो 10 to 11 पढ़ाते हैं, आपको एक बार स्केड्यूल ठीक से समझ लेना है, समझने के बाद आप क्लासेस अटेंड कीजिए, बहुत सिंपल लगेगा आपको। उसके बाद जो 2 to 3 क्लासेस होती हैं उसमें ये मैम है जो पढ़ाती हैं, प्रोफेसर इंग्लिश ए एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, ठीक है, फिर इंग्लिश बी है, इंग्लिश सी है, हिंदी जिन्होंने ली है उनके लिए। अच्छा, एनवायरमेंटल साइंस के 2 लेक्चरर्स हैं, एक ये हैं प्रोफेसर और एक ये हैं, ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप क्लासेस अटेंड कीजिए। फिर भी गाइस कोई डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट गाइस, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।